जब मनुष्य अपने आप को नहीं समझता है, कहां क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आता। ये हाल हो गया कि रेलगाड़ी चल रही है, जा रही है, रफ्तार से जा रही है, खूब तेज चल रही है, धकड़ 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 खूब जा रही है, और इसी रेलगाड़ी के अंदर आंख खुलती है, मनुष्य पैदा होता है। जैसे ही पैदा होता है, थोड़े दिन के बाद उसको एहसास होता है कि वो एक जगह नहीं है, चल रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है उसको नहीं मालूम, ये रेलगाड़ी कहां रुकेगी उसको नहीं मालूम, उसको उसके जिम्मेवारियों के बारे में समझाया जाता है कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तू पढ़ बेटा, पढ़ 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 लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में मैं और बताऊंगा, बड़ा आदमी बनेगा कैसे, बनेगा ये कैसे बनेगा। पर रेलगाड़ी चल रही है धकड़ 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 धकड़, वो ना रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही, और इसी रेलगाड़ी में सब अपना बसेरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और फिर धीरे 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 एक बात का एहसास होने लगता है कि ये रेलगाड़ी से निकलना पड़ेगा। इस रेलगाड़ी में रहना नहीं है, इसमें आंख जरूर खुली, पर जब आंख बंद होगी, अब ये भी तो देखिए ना क्या तमाशा है, आंख खुली और आंख बंद हुई, और सारा खेल उसी में है, आंखें खुली आंखें बंद, और अगर नहीं भी हुई तो कोई बंद कर देगा, और एहसास होने लगता है कि अब जाना है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। जब यह एहसास होने लगता है मनुष्य, पहले नहीं होता है, जब जवान होते हैं ना लोग, तो यह एहसास नहीं होता है, पता नहीं कितने साल जिएंगे, गर्व है, मेरी जिंदगी है, मेरी सारी जिंदगी है मेरे आगे, पर ये कोई नहीं देखता है कि ये गाड़ी कितनी तेज जा रही है। 100 साल भी अगर तुम जियो तो कितने दिन बनते हैं, 36,500 ज्यादा नहीं है, चल रही है रेलगाड़ी, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और इसमें से एक दिन निकलना है। तुमने अब आज तुम यहां बैठे हो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, तुमने क्या जाना अपनी जिंदगी में, अब तक जो तुमने जिंदगी जी है क्या जाना तुमने, क्या पहचाना तुमने, किस बात को समझा,